वो जब अपने बायोपिक लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि कितने सोने ने होशियारपुर दे पिंड इसीलिए सबसे पहले दुआबा रीजन से इन चार डिस्ट्रिक्ट से लोग प्रदेश गए तो आपका शुरू में ले चलिए मुझे कहाँ हुआ आपका आम... चाय और पियेंगे नहीं जब ठीक है पानी पी लिया मेरे को यार वो नॉर्मल वाली चाय पिलवा दो सर <laughs> <laughs> अच्छा ये बहुत ये, ये बहुत ब्रिटिश हो गई थी इन्होंने <laughs> वा, अंग्रेज वाली पिलवा दी थी, थी। <laughs> अब हमें क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण वैसी मिलती नहीं है तो उस उन चीज़ों की आदत डाल रहे हैं जो मिल जाती है से नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है क्योंकि चाय भी ना इतनी स्पेसिफिक है मैं कम दूध की चाय पीता हूँ हाँ, मैं भी ज्यादा दूध की होती अब क्या करो आप तो अब और वो चाय बहुत पर्सनल टेस्ट उसका है तो ये तो सेफेस्ट है कि वो डिप डिप दैट्स ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो, है हाँ. तो आप जैसे जो आपने पीछे बोला ना मैं समझ गया कि इनको सेफ सेफ जोन वही नहीं सेफ जोन ना हां तो तो होशियार तो, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर जी हिमाचल की बाउंड्री के साथ लगता है ऊना जैसे हिमाचल है होशियारपुर पंजाब है तो मैं एक शख्सियत का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कभी आप उनके बारे में पढ़ें जरूर वो यहाँ शायद उत्तर प्रदेश में कहीं कही ना कहीं वो पोस्टेड रहे हैं ओके। आफ्टर पार्टीशन नहीं। नहीं। आ, मिस्टर एम एस रंधावा उनका नाम था वो इंडिया के जो पहले आईसीएस होते थे उसमें उन उनमें थे इन हाँ मैं अभी उनकी बायोपिक देख के आपको बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर कुछ ऐसा रहे हुए वो जब अपना बायोपिक लिखते हैं सर वो जोलॉजी के डॉक्टरेट थी यूरोप से वापस आए वो भी उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई चंडीगढ़ शहर बसाया उसमें आर्ट म्यूज़ियम बनाए फ़नकारों को जगहें दी कांगड़ा की पेंटिंग्स की कलेक्शन की पंजाब के सारे फोक को कलेक्ट किया ट्रैक्टर्स पंजाब में लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ट्यूबल्स लेके आए मतलब ऐसी माह शख्सियत तो मैं सबसे मुझे फख्र ये होता है कि यार मैं भी हुशियारपुर के हिस्से हूँ वो भी हुशियारपुर से तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की तो वो जब अपने बायोपिक लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि कितने सोने ने हश्यारपुर दे पिंड यहाँ से वो शुरू होते हैं मतलब एक ग्लोबल ट्रैवल इतना जब इंडियन इंडिपेंडेंस की सबसे पहली स्पीच जवाहरलाल नेहरू साहब ने दी दिल्ली में तो मेरे ख्याल से उसको लिखा भी उन्होंने था तो उस वक्त दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर फर्स्ट वो थे उनकी तस्वीरें हैं वहाँ खड़े हुए की तो ऐसी शख्सियत जब अपनी बात लिखे जैसे आपने कहा तो वो अपने इलाके के के गांव की बात से से शुरू करें तो हिमाचल पहाड़ों क्योंकि पंजाब जो लफ्स है ना वो दरियाओं से है पांच आब यहाँ बहते हैं वो पंजाब है तो पहाड़ों से बह के जब दरिया आते हैं ऐसे एक पंजाबी लफ्ज है चो अब यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे छोटे छोटे क्रीक्स कहूँ जहाँ जब पहाड़ से कहीं बारिश हुई थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ बह के नीचे आ गया मैदानों में आ गया तो उन्होंने कह दिया चो तो हमारे गांव के से हश्यारपुर तक मतलब 12 किलोमीटर हैं 12 ही वो चो होते थे अच्छा तो ऐसी जरखेज़ ऐसी हरियाली भरी फॉर्चुनेट ब्लेस्ड जमीन में मेरी पैदाइश हुई गांव का नाम है बजरावर ज़्यादातर राजपूताना लोग किस्म के लोग रहते हैं क्योंकि पहाड़ों के नज़दीक है तो राजपूत कम्यूनिटी काफ़ी है तो क्योंकि द्वाबा जो है वहाँ पर ज़मीनें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मालवा में होती हैं अच्छा क्योंकि लिमिटेड एरिया है लेकिन जरखेज़ ज़्यादा है पैदाइश हो सकता है तकरीबन बहुत नज़दीक हो बड़ी ज़मीन के लेकिन इलाके कम है तो इसीलिए सबसे पहले दुआबा रीजन से इन चार डिस्ट्रिक्ट से लोग प्रदेश गए जैसे आपके फादर की आपने सिक्सटीज़ की बात की तो वहाँ से अर्ली वैसे तो नाइनटीन ओ वन से ही वैनकूवर लोग गए हुए हैं लेकिन मेजर जो व, हुआ वो सिक्सटीज से शुरू हो गया ब्रिटेन लोग बहुत गए मेरे नाना जी जो थे वो ब्रिटेन में होते थे तो इसलिए मैंने प्रदेश से जाते हुए लोगों को देखा तो वहाँ से होशियारपुर लोग कहते हैं वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं होशियार हैं वो इसलिए हैं कि ज़मीन कम है या तो पढ़ लो या प्रदेश चले जाओ ये दो ही काम तो मेरा ये पहले वाला हो गया कि मेरी एजुकेशन में थोड़ी थी भी संगीत में भी रुचि थी तो मेरी ग्रेजुएशन विद ऑनर्स मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज होशियार बचपन कैसा था पहले मुझे बताइए बचपन जैसे एक कह लीजिए बहुत ही अब आम से भी आम परिवार जो कि हैंड टू माउथ है खेतीबाड़ी करते हैं और हाथ से जो पंजाबी जी कहते कीर्त करनी वंड छकना नाम जपना तो वो एक बहुत ही प्रफोंड मेरे दादा दादी जी बहुत ही रिलीजियस किस्म के लोग हैं ही पंजाब में जैसे सिखिज्म की बहुत छाप है तो गुरबाणी उन्होंने सुबह शाम पढ़नी तो वो हमें आ ही गई उसका तलफ़ुज की दुरुस्तगी ऐसी होती है उसको कहते हैं कि संथ्या जैसे ली होती है आपने बहुत एकूरेटली बोलते हो तो वो म्यूजिकॉलोजी में बहुत का आपके काम आती है अगर आप जैसे आपकी संस्कृत बैकग्राउंड होगी तो जब आप कुछ भी बोलेंगे चाहे हिंदुस्तानी जुबान बोलेंगे तो आपकी वो एक कमांड बहुत होती है तो वो एक बहुत बेहतर रहा एक हाथ से काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा तो मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने अपने हाथों से इतनी इतना काम कर लिया है पसनों वाला अब कुछ मुश्किल नहीं लगता तो घर में कौन कौन था उस वक्त उस वक्त दादा दादी वैसे हमारे तो पेरेंट्स के जैसे चाची-चाची तो थे ही तो मेरे एक बड़े भाई हैं वो वहाँ अभी बाहर रहते हैं कैनेडा उनका नाम क्या है कुलतार। जी हम अक्सर जब ऐसे अपने परिवार के लोगों का जिक्र करते हैं हाँ जी कोई नानी रह जाती हैं कोई हाँ, दादी रह जाती हैं हाँ, तो मैं जब बातचीत करता हूँ तो मैं उनका नाम जरूर पूछता हूँ अच्छा अच्छा नहीं बाकी अच्छा उनके बात। एक जब हाँ वो पहुँचे तो हाँ, हाँ।, हाँ नहीं, नहीं इसमें वे परिवार में तो सारे लोग क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे ये बात बहुत इंट्री करती है अपने बारे में बोलने के अलावा कि यार ह्यूमन जैसे आपने कहा कि एवोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन की बातें कि जब फर्ज करिए एजुकेशन की बात है क्यों आई होगी जब परिवार बने होंगे तो क्यों बने होंगे है hmm. ना तो आपको बहुत बाद में समझ आती है ये बातें कि यार कि परिवार की क्या अहमियत है hmm. मतलब क्या आप संस्कृत के हिंदी के उसके लफ्ज होंगे कुछ ना कुछ hmm. निर्लेप एक पंजाबी के लफ्ज से शायद आप यहाँ बात करते होंगे कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीड और वट आपकी आपका परिवार होता है hmm. वो बस होता है hmm. है ना उसकी कोई वजाहत नहीं होती बिल्कुल तो निर्लिप्त होता है हाँ संस्कृत में हाँ। तो हाँ जी कौन सा निर्लिप्त निर्लिप्त हाँ उसको ही निर्लिप बना लिया पंजाब में ठीक है ठीक है तो मेरे ताया जी होते थे ताई जी होते थे वो माओ से भी ज़्यादा आपको कभी आपने जैसे मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा तो जाते जाते उन्होंने आपको पैसे पकड़ा देने कभी कुछ दे देना तो ये जो चीज़ें हैं वो तमाम उम्र जैसे मैं आप कहता हूँ एम्पथी की हमने बात की तो कभी आप अपनी ताई जी बन के देखिएगा बिल्कुल तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा उस जमाने में ऐसा सोचना ये कितनी खूबसूरत और कितनी एम्पथेटिक कम्पेशनेट ये बातें हैं बीइंग बींग ब्यूटीफुल पर्सन